शादी का झांसा देकर महिला के साथ 2 साल तक किया दुष्कर्म, महिला ने थाने में करवाया मामला दर्ज। अजमेर के कृष्णगंज थाने में महिला को शादी का झांसा देकर 2 साल तक दुष्कर्म करने का मामला सामने आया, जहां पीड़ित महिला ने युवक के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। मामले की जानकारी देते हुए कृष्णगंज थाना प्रभारी दिनेश कुमावत ने बताया कि महिला ने थाने पर उपस्थित होकर रिपोर्ट दी थी कि श्रीनगर के रहने वाले सलमान ने उसे 2 साल तक शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया और जब उसने शादी के लिए कहा तो सलमान ने उसे मना कर दिया। वहीं महिला ने कृष्णगंज थाने में श्रीनगर निवासी सलमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है, जहां पुलिस ने मामला दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी है। क्या मामला है सर, और किसको आज रिपोर्ट दर्ज की? आज एक 30 वर्षीय महिला जो कोटड़ा की निवासी है, उसने एक प्रकरण दर्ज कराया है कि उसकी किसी से अफेयर चल रहा था 2 साल से, और उसने मेरे को शादी का झांसा देके और मेरे साथ उसने शारीरिक संबंध बनाए और यौन शोषण किया। अब वो शादी करने से मुकर रहा है और इस तरह से उसने उसको एक्सटॉर्शन और बलात्कार का मुकदमा दर्ज कराया। कौन किसके खिलाफ कहां करे? उसका जो बॉयफ्रेंड वो बता रही है, उसका सलमान नाम बता रही है और श्रीनगर के पास में जिलावड़ा का रहने वाला बताया। कैसे हुआ था दोनों के बीच? ये कह रही है कि हमारी मुलाकात यहीं किसी रास्ते में हुई थी, जब से हमारी दोस्ती थी, और वो मेरे साथ मेरे को ये कह रहा था कि 2 साल बाद में शादी करूँगा, और महिला भी शादीशुदा है और जो पुरुष है वो भी शादीशुदा है। मुकदमा दर्ज करके अनुसंधान शुरू कर दिया गया। आरोपी की तलाश जारी है और उसका मेडिकल मुआयना करा दिया गया है।